अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। तो आज मैं लाई हूँ एक नई वैरायटी, एक नया रायता जो कि मैं बना रही हूँ और ये मेरी ही क्रिएशन है। और गाजरें पड़ी हुई थी और दही पड़ी हुई थी और मैंने बनाया था आलू मटर गाजर का पुलाव, तो सोचा साथ रायता भी हो जाए। तो गाजरें मेरे पास पड़ी थी, बच गई थी, तो मैंने इसी का ही रायता बना लिया। और यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बना, क्योंकि मैंने खाया था और क्रंची क्रंची सा टेस्ट आ रहा था। और गाजरें तो वैसे भी सर्दियों में होती हैं, तो सर्दियों का सीज़न है गाजरों का हलवा, गाजरों की खीर और गाजरों का जूस और गाजरों का रायता। अब आ गया है मेरे ब्लॉग से इंट्रोड्यूस हो रहा है गाजरों का रायता। तो आप इस रायते को खाएं, टेस्ट करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चावल मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में, गर्मा गर्म पुलाव तैयार है हमारा आलू मटर गाजर का। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मेरे घर में जो आलू मटर गाजर का सालन बचा था वो ख़त्म नहीं हो रहा था और मैंने साग भी बना लिया है, तो साग की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने उसे तड़का नहीं लगाया, बाकी मैंने बना लिया है। तो जब तड़का लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और मक्खन लगाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये फ्रेंड्स मैंने बना लिए हैं चावल और ऊपर गर्मा गर्म चावलों के ऊपर ठंडा ठंडा रायता, मज़ेदार रायता। तो ये मैं खा रही हूँ आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं है, आपके नाम की बाइट है तो मैं लगा लेती हूँ, चाय गरम गरम है कोई बात नहीं, मेरे व्यूवर्स के नाम की ये बाइट है। तो फ्रेंड्स बड़ी ही मज़ेदार बाइट है। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, वो लाइक कर दें, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं होंगी मेरे लिए। तो फ्रेंड्स मेरे व्लॉग्स देखें, मेरे चैनल पे आएं, मेरा रिएक्शन भी है, व्लॉग्स भी हैं, कुकिंग भी हैं। और जो आपको पसंद है, जो फीडबैक आप देंगे मुझे कि मैं कौन क्या कुकिंग ज़्यादा कंटिन्यू करूं या रिएक्शन दूं दूसरों की वीडियोस पे, तो या फिर मैं बनाऊं व्लॉग्स, तो फ्रेंड्स आप देखें और ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये रायता, गाजर का रायता। तो फ्रेंड्स एक यूनिक सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप सबके लिए भी नेक दुआएं, नेक तमन्नाओं के साथ मैं अपने व्लॉग का, जो कुकिंग व्लॉग है जो मेरा इस टाइम मैं शूट कर रही हूँ, मैं एहतिताम करती हूँ और फिर दोबारा हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।